बड़े बच्चों कैसे आप लोग। तो लास्ट वाला लेसन जो था क्वाड्रिलेटरल वो खत्म हो चुका है, तो मैथ्स में मैं नया लेसन शुरू कर रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहले इसमें कुछ बेसिक चीजें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पढ़ते आ रहे हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस हो गया बी और हाइट हो गया एच। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल के बेस से मतलब ये होगा बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइट हो गया। ठीक है, हाइट का मतलब होता है देखो कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर किस दिया जाए वही हाइट होता है। इसका दूसरा नाम अल्टीट्यूड भी होता है, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे मान लो आप ट्यूब एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके का ट्राइंगल है कोई। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल है और इसमें बेस हो गया ये बी। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि इसका हाइट क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो और यहां से परपेंडिकुलर खींच दो, ये इसका हाइट या एल्टीट्यूड हो जाएगा। बात समझ गए? तो कभी भी ट्राइंगल को जो बेस लिया जाता है, ठीक है, तो वर्टेक्स से सामने वाले साइड से जो परपेंडिकुलर बढ़ता है ना, वही उसका क्या होता है? हाइट होता है या एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है? 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, और एरिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। अगर इसको बेस लेंगे तो हाइट ये हो जाएगा, तो ये बेस इनटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो आप इसको बेस लेते हो, ठीक है, ये बेस अगर ले लेते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो थ्योरम है, ठीक है, पहला थ्योरम ये पैरेललोग्राम्स ऑफ द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखो अगर दो पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक ही बेस पे, ठीक, और दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उन पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर जो है दो पैरेललोग्राम है, एक ही बेस पे है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, जैसे देखो मान लो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, एक पैरेललोग्राम, ठीक, और एक दूसरा पैरेललोग्राम इसी बना दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इसी बेस, देखो बेस इसका बी सी है और मैं बना रहा हूं ई बी सी ई, एक पैरेललोग्राम ये बना दिया गया। समझ गया? एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, बेस क्या है? बी सी है। ठीक है, और दूसरा पैरेललोग्राम है P, B, C और E, दूसरा पैरेललोग्राम ये। ठीक है, जिसको हम उल्टा लाइन में खींच दिया है क्लियरलेंस के लिए, आप लोग मत खींचिएगा ऐसे दो लाइन, मैं समझाने के लिए खींच रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये थ्योरम क्या कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया होगा P, B, C, E के एरिया क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं। गिवन क्या है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम पी बी सी ई, ठीक है, आर ऑन सेम बेस, ठीक है, बी सी। ठीक है, एक ही बेस किस पर? बी सी पर। ठीक है, टू प्रूफ, टू प्रूव करना हमको कि एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम पी बी सी ई, पी बी सी, इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये प्रूव करना। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए सबसे जरूरी होता है क्या करना, किसी भी मतलब ट्राइंगल चाहे पैरेललोग्राम में कोई भी चीज निकालना है तो उसका आपको एरिया निकालने के लिए उसमें हाइट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हाइट तो दिया ही है, समझ गए, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? देखो एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है, ड्रा एफ परपेंडिकुलर टू बी सी, जो एफ है, ठीक है, क्या होगा?
परपेंडिकुलर टू बीसी। अच्छा हाँ एक यहाँ इसमें पढ़ा होगा था कि एबीसीडी एंड बीबीसी आर ऑन सेम बेस बीसी एंड ये भी लिख रहा हूँ एंड बिटवीन ठीक है एडी पैरेलल टू बीसी एडी पैरेलल टू बीसी ठीक है तो ये दोनों लाइन पैरेलल ना पैरेलल होता है तो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया ए परपेंडिकुलर टू बीसी। अब देखो प्रूफ कैसे प्रूफ करते हैं ठीक है तो सबसे पहला चीज इसमें ये है मान लो लेट बीसी इक्वल टू बी ठीक है जैसे दोनों पैरेललोग्राम का बेस क्या है बीसी है ना तो हमने बीसी को क्या मान लिया बी मान लिया ठीक और ये हमने परपेंडिकुलर खींचा है ना अल्टीट्यूड ठीक है एंड अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड ए एफ इक्वल टू एच एफ किसके बराबर है एच के बराबर बस हो गया तो देखो हम निकालते हैं एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी एबीसीडी का एरिया निकालते हैं ठीक है तो पैरेललोग्राम का एरिया मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है बेस इनटू हाइट तो इस पैरेललोग्राम एबीसीडी का जो बेस है वो बेस क्या है बीसी है बोलो बीसी है ना और इसका हाइट हाइट क्या है एएफ है ठीक है BC into AF ठीक है तो BC को हमने B माना है और AF को क्या माना है H तो क्या हो जाएगा BH ठीक है स्क्वायर यूनिट ठीक है एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं तो ABCD का एरिया निकल गया BH स्क्वायर यूनिट उसके बाद जो है PBCE का एरिया निकालते हैं ठीक है एरिया पैरेललोग्राम PBCE ठीक है तो क्या हो जाएगा ये भी BC टू हाइट हो जाएगा तो बेस इसका क्या होगा बीसी ठीक है ना बेस हो गया बीसी ठीक और हाइट अब बात आती है कि बी सी ई डी इसकी हाइट क्या होगी बात समझ गए तो देखो इसकी भी हाइट अगर हम निकालें तो यहां से मान लो अगर हम कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं ठीक है तो यही इसका हाइट होगा बोलो ठीक है और ये किसके बराबर होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है तो अगर ये एच है तो इसका भी हाइट ये भी तो एच होगा ना क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है बात समझ में आ रहा है पैरेलल का डिफिनेशन क्या होता है पैरेलल का डिफिनेशन यही है कि वे लाइन ठीक है जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है तो ये एच है क्या एच दोनों के बीच का डिस्टेंस है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा ठीक है तो बी सी इक्वल टू बी हो गया तो ये एच हो गया तो बी एच स्क्वायर यूनिट बात समझ गए अगर दोनों को कंपेयर करो इसको मान लो वन और इसको मान लो टू दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू तो आप दोनों को कंपेयर करोगे देखो ये बी एच स्क्वायर यूनिट और ये भी क्या होगा बी एच स्क्वायर यूनिट दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है ना तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा बराबर तो हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी ई इक्वल टू हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम पी बी सी ठीक है तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया थोड़ा बराबर हो गया यही हमको क्या करना है प्रूफ करना है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में दो पैरेललोग्राम खींचे गए हों उनका एरिया क्या होता है बराबर होता है ठीक है पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बताऊंगा।